सिकराय से खबर है जहां वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। वन विभाग से अवैध कटाई लगातार जारी है। पहाड़ियों से होने वाली पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। वन विभाग के कार्मिकों में भी बढ़ोतरी, आपको बता दें फिर भी नहीं रुक पा रहा अवैध कटाई का ये सिलसिला। वन विभाग में हाल ही में लगाई गई 5 महिला कार्मिक गीजगढ़ में वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन इस समय जारी है। तो पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों में रोष यहां पर बना हुआ है। वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप यहां पर ग्रामीण लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का ये प्रदर्शन। कार्मिकों की बढ़ोतरी हुई है, बावजूद इसके लगातार बदस्तूर या अवैध कटाई जारी है और इसके खिलाफ अब ग्रामीण लामबंद हुए हैं, अपना रोष सड़कों पर आकर उतार रहे हैं। तो सिकराय की खबर हम आपको बता रहे हैं, वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन चल रहा है। वन विभाग से अवैध कटाई लगातार जो जारी है उसे रोकने की अपील यहां पर की जा रही है। वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। हम जल्द ये वन विभाग के जो पेड़ कट रहे हैं उनके विरोध में है। गीजगढ़ वासी एक फॉरेस्टर गार्ड है बबलू सैनी, वो अपने समाज के लोगों को अंधाधुंध कटाई करवा रहे हैं। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसा अगर कार्रवाई नहीं की तो हम SDM के यहाँ धरने पर बैठेंगे 10 लोग। हम और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र मीणा। पुष्पेंद्र, वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं सिकराय में और लगातार अवैध यहां पर कटाई जारी है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, यह पिछले कई दिनों से लगातार वन विभाग के पेड़ से कटाई की जा रही है और वन विभाग में अब नए कार्मिक भी लगाए गए हैं जिसके बावजूद भी ये कटाई नहीं रोक पा रहे हैं। अब ग्रामीण भी इसके लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं, कई जगह पर गाँव में प्रदर्शन देखने को मिला है, इसके बावजूद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ। जी, तो पुष्पेंद्र, अभी वन विभाग के किसी अधिकारी का इस पर रिएक्शन सामने आया है? ग्रामीण जब इतने समय से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं वन विभाग के अधिकारियों से, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कार्रवाई की जाएगी, जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कोई देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।